खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के रफेल का जवाब मोदी जी राजीव गांधी के बोफोर्स को बनाकर देना चाहते हैं? देखिए रुमाना जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ संगीनता के साथ दूंगा। रफाल के विषय में ये राहुल गांधी जी रोज रोज कहते हैं हमारे को 500 करोड़ में, कभी 700 करोड़ में, कभी 600 करोड़ में, कभी 300 करोड़ में मिल रहा था। अरे मंडी में जाके खरीद रहे थे तो मिल रहा था सस्ते में, तो लेके क्यों नहीं आया? मिल रहा था तो उठा के ले आते ना। 10 साल तक बैठे हुए थे, क्यों मिल रहा था तो लेकर? ये इससे बड़ा पाप कुछ है क्या? अगर 500 करोड़ में आपको रफाल बढ़िया से सजा रफाल मिल रहा था, सब कुछ कंप्लीट मिल रहा था, तो 10 साल तक बैठे क्यों रहे? इन्होंने कहा कि हमारी रक्षा मंत्री जो है गदा उठाती है, तो आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? उनका एक ही एके एंटनी जी हिंदुस्तान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रक्षा मंत्री थे और उनका एक ही मोटो था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम ही नहीं करूंगा तो सरदर्द ही नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, रफाल लाना नहीं है। क्या यह हकीकत नहीं है? 2012 के पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एके एंटनी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया रफाल क्यों नहीं ला रहे हो, पैसे नहीं है हमारे पास, कहां से रफाल लाएंगे, पैसे नहीं है, रफाल ला नहीं सकते, अभी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, चाटुकारिता की बात कही कि हम जाके मोदी जी की चाटुकारिता करते हैं। देखिए अच्छे आदमी का गुणगान करना तो अच्छी बात है, मैं एक बात दाद देता हूं, मैं बार बार कहता हूं, ये कांग्रेस के बड़े नेता जो टैलेंटेड भी हैं, 100 टन का पत्थर रख के राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं। कभी कभी तो उन राहुल गांधी जी जब वक्तव्य दे रहे होते हैं उनके पीछे सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खड़े होते हैं, राजीव जी खड़े होते हैं, सचिन पायलट खड़े होते हैं, तो उनका चेहरा देखने लायक होता है, बेचारे कहां छुपेंगे पता नहीं चलता है, मगर फिर भी 100 टन का पत्थर रख के राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, सब दिल में जानते हैं। आप चुपके से पूछिएगा अभी कॉफी पीते हुए, सब बताएंगे अभी क्या है, सब लोग, मैं इनकी बात नहीं, ये तो अच्छे हैं, बाकी सब बताते हैं यार कहां से बनेंगे, यार लड़ी कहां रहे हैं, 100 सीट तो लड़ रहे हैं, कहां से बनेंगे, तो ये सब लोग हकीकत जानते हैं, क्या करें टीवी में। ये जो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि लड़ी बनेंगे कहां से, लड़ी 100 सीट, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहा कि कौन आई लव यू पाकिस्तान को कह रहा है, कौन कह रहा है आई लव यू पाकिस्तान को? कल शशि थरूर ने, ओहो मेरा इमरान खान कितना बढ़िया है, हिंदुस्तान के बारे में इमरान खान कितना सोचता है, टीपू सुल्तान हाय हाय मेरा टीपू सुल्तान, कौन कर रहा था? शशि थरूर। ये परसों मेरा यार जीवे जीवे मेरा यार, 1 साल से लगातार एक ही यार है उसका, कौन है वो? ये जीके टेस्ट करते हैं, कौन है वो? सिद्धू। एक मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, जीवे जीवे पाकिस्तान, मर जावा में पाकिस्तान के लिए, और फिर ये आई लव यू बताओ, मतलब ये हीरो हीरोइन जो फिल्म में नहीं बोलते, ये सारा डायलॉग कांग्रेस पार्टी इमरान खान के लिए बोलती रहती है, तेरे बिना मैं मर जावा, तेरे बिना मैं सदके जावा, ये सारा कुछ तो इनका इमरान खान के लिए होता रहता है, फिर ये बोल रहे आई लव यू आई लव यू। देखिए आजकल तो लगता है कभी कभी कि यहां तो 100 सीट पे लड़ रही है, पाकिस्तान में सारी सीटों पर ना लड़ ले कांग्रेस पार्टी जाके।